जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे ओके okay, जी माय टॉपिक इज़ फ्रॉम टॉपिक्राम्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर फोर सेल्स एंड टिश्यूज और आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप सबके पास नाइन्थ की बुक है आप देखिएगा ये कौन सा टॉपिक है फोर्थ चैप्टर में है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और इस एक टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे सेल वॉल But before discussing the cell wall, I have something for you that is a plant cell and an animal cell. This is an example of a, of a plant cell. And this is an example of, a, of an animal cell. Okay. Now let's compare both the cells. Don't go compare Plant cell is filled with so many organelles. Same is the case with the animal cell. Animals too is having so many organelles. एंड ऑल ऑफ आरफॉर्मिंग कंटिन्यूटी लाइफ तमाम तर अपना, अपना स्पेशल काम कर रहे हैं और हमें पता है कि तमाम तर लिविंग बॉडीज जो हैं वो सेल से मिल के बनी हुई हैं इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ओके अब अभी जितने भी लेबलिंग्स यहाँ देख रहे हो इन सब लेबलिंग्स को हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे अभी जो हम करने लगे हैं वो है सेल वॉल नाउ सेल वॉल सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ अ सेल क्या है ये आउटर आउटर मोस्ट यानी कि सबसे सबसे बाहर साइड पर हार्ड कवरिंग हार्ड भी है तो आउटर पे है तो ऑब्वियसली इट शुड बी हार्ड एज वेल अगर ये सॉफ्ट होती तो आसानी से टूट जाती लेकिन ये तो हार्ड है सो इट इज आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ अ सेल ओके लेट्स लुक एट दिस डायग्राम ये एक प्लांट सेल है और ये एक फंगल सेल है और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर देखते हैं ओके okay, ये जो प्लांट सेल है आप देख रहे हैं उसके आउटर मोस्ट पे एक आपको ये सेल वॉल की लेबलिंग नजर आ रही है यह आउटर हार्ट कवरिंग है केस विद दिस फंगस सेल फंगस के ऊपर भी ऐसी ही हार्ट कवरिंग है ये इनको प्रोटेक्ट कर रही है इनको शेप दे रही है इनकी फिक्स शेप्स है मैंने को बताया कि एनिमल सेल की फिक्स शेप नहीं रहती क्योंकि उसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं ओके okay, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे ओके okay, ये एक और सेल आ गया कोई अभी ये कौन सा सेल है ये है बैक्टीरियल सेल ठीक है तो हमने देखा कि प्लांट सेल्स फंगल सेल्स बैक्टीरियल सेल्स सब के पास ये आउट मोस्ट हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है हम डिस्कस करते हैं फाइव किंगडम्स में आपको मालूम है ना कि फाइव किंगडम्स में तमाम दुनिया के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उसमें मोनरा आता है उसमें प्रोटिसटा आता है तो मोनरा में भी मोनरा के तमाम तरह ऑर्गैनज़म्स पर सेल वॉल है प्रोटिसटा में भी सेल वॉल है फिर थर्ड फाइलम किंगडम आता है फंज है उसमें भी सेल वॉल है फिर फोर्थ है प्लांटे उसमें भी सेल वॉल है और फिर लास्ट वन है एनिमेलिया हाँ ये बात तो है कि एनिमेलिया पर तो सेल वॉल नहीं है चलो हम देखते हैं अभी कि किसके पास है और किसके पास नहीं है लेकिन कम से कम हमें यहाँ ये यह आइडिया हो गया है कि प्लांट्स में भी है फंगस में भी है और बैक्टीरिया में भी है ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल यहाँ एक बात तो क्लियर कर दी इसने हमें कि तमाम तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है एक्सेप्ट except, अब एक्सेप्शन भी दे दी एक्सेप्ट एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटेस्ट आपको याद है ना जो प्रोटिस्ट है उसमें तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स थे प्लांट लाइक फंगस लाइक एंड एनिमल लाइक जो प्लांट लाइक -like थे प्लांट्स पर सेलवॉल्व है तो प्लांट लाइक -like पर भी सेलवॉल्व होगी जो फंगस लाइक -like थे फंगस पर सेलवॉल्व है तो फंगस लाइक -like पर भी सेलवॉल्व होगी लेकिन एनिमल्स पर सेलवॉल्व नहीं है तो ऑब्वियसली एनिमल लाइक प्रोटेस्ट पर भी सेलवॉल्व नहीं है सो देयर इज एन एक्सेप्शन दै तमाम तर दुनिया के ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल्व है सिवाय एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के याद रहेगी ये बात आपको कि तमाम दुनिया के ऑर्गेनिजम्स के पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उन सब के पास सेल वॉल है सिवाय एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटेस्ट डिस्कस दिस डायग्राम। ये डायग्राम है एक एनिमल सेल की अब एनिमल सेल में हमें पता है आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी होती है सेल मेम्ब्रेन की मैं आपको ये फिगर दिखाती हूँ ये फिगर मुझे बहुत पसंद है ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि किसी एक शॉपिंग बैग में या एक बैलून में ना आपने अंदर ही चीज़ें भर दी हैं तो यही एक बैलून आउट मोस्ट कवरिंग ऑफ बैलून जो है सेल मेम्ब्रेन की तरह है तो सेल अब अब शॉपर की एग्जांपल अगर लेते हैं शॉपिंग बैग की तो शॉपिंग बैग में से भी आपको सब कुछ ऐसा शॉपिंग बैग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो और उस मगर ऊपर एक थिन से लेयर होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती

let us discuss the first group that is fungi. in fungi, the cell wall is made up of chitin, and chitin present hai in the cell wall of fungi. next group is plants. plants, the outermost may, cellulose present. Hai. and then prokaryotes. prokaryotes, ke outermost may, peptidoglycan, a complex of amino acids and sugars, means protein. और कार्बोहाइड्रेट्स से मिल बना है ये केमिकल जिसका नाम है पेप्टीडोग्लाइकन यानी कि जो फंगस है उसकी सेल वॉल में काइटिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है प्लांट्स में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सेल्यूलोस प्रोकेरोस में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है पेप्टीडोग्लाइकन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स

और स्ट्रॉन्ग भी है और कहाँ प्रेजेंट है आउटसाइड फिगर है जो मुझे बहुत पसंद है इसके अलावा सेल वॉल बहुत प्यारी दिखाई है और ये कट सेल वॉल में बहुत अच्छे दिखाए हैं जहाँ से कनेक्शन होते हैं दूसरे प्लांट्स के साथ एनीवेज ये सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट्स में प्रोखर में और फंजाई में आउटर मोस्ट जो उनकी लेयर होती है वो सेल वॉल होती है लेकिन सेल मेमरेन भी होती है इनके अंदर मगर वो देखो यहाँ से दिखाई हुई है ये सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन <coughs> सेल वॉल प्रेजेंट है ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन तो सारी दुनिया में प्रेजेंट है ना इंक्लूडिंग एनिमल्स तो सेल वॉल मगर सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती अच्छा तो सेल वॉल की प्रॉपर्टीज हमने तीन देख ली हार्ड नॉन लिविंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट लोकेशन भी देख ली आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड पर प्रेजेंट है लेट्स डिस्कस द इट्स फंक्शन अच्छा ये क्या क्या फ़ायदे देता है जिसमें भी प्रेजेंट है इट प्रोवाइड्स शेप्स जैसे कि लीव्स आपने देखे स्पेसिफिक शेप की हैं स्टेम्स देखे हैं अपने एक स्पेसिफिक शेप्स की हैं स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बनाता है उन्हें एकदम से वो टूट फूट नहीं सकते नाजुक नहीं है बहुत प्रोटेक्ट करता है हार्श इन्वॉर्मेंट से आपने देखा ना बारिश हो रही हो तेज़ बारिश हो रही हो झाला बारी हो रही है लेकिन प्लांट्स तो अपनी जगह पे ही खड़े हैं लेकिन आवाज़ तो हिल नहीं सकते तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी ना शदीद गर्मी है बहुत तेज़ गर्मी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है मगर पौधे तो वहीं खड़े हुए अपनी जगह पे वो तो नहीं हिल सकते इसका मतलब है उन्हें कोई प्रोटेक्शन चाहिए थी तो अल्लाह ताला ने उन्हें सेल वॉल की सूरत में प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है कि वो अपनी जगह से अपनी मर्ज़ी से हिल नहीं सकते तो उनके पास कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए हमारे पास तो लोको मोशन की एबिलिटी है हम तो अगर बहुत तेज़ गर्मी हो तो वहाँ दिन में बाहर ही नहीं जाते हम कहते हैं शाम को जाएंगे और बारिश हो तो प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं तो हम हमारे पास मूव करने की प्रॉपर्टी है दूसरा वॉल क्या करता है अंदर के तमाम लिविंग मैटर को क्योंकि हो तो वो नॉन लिविंग है अंदर के लिविंग मैटर को प्रोटेक्ट करता है सो दैट वॉज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं ये हम कौन सेल वॉल डिस्कस कर रहे हैं ये सेल में हम प्लांट सेल वॉल डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने पहले सबसे पहले जहाँ सेल वॉल की लोकेशन देखी वहाँ हमने प्लांट सेल देखा था तो प्लांट सेल हैज़ टू लेयर्स टाइप ऑफ प्लांट सेल एज वेल तो वैसे उसके पास तो ज्यादातर सेल्स ऐसे हैं जिसमें एक ही लेयर होती है लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें प्लांट की सेल्स में दो लेयर्स होती हैं एक प्राइमरी सेल वॉल और एक सेकेंडरी सेल वॉल जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो वा आउटर वॉल होती है सबसे पहले बनती है और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो इनर होती है वो बाद में बनती है या वो तब बनती है जब उसकी जरूरत होती है ओके okay. प्राइमरी वॉल जो प्राइमरी वॉल है सेल की या जो आउटर वॉल है आउटर वॉल ऑफ अ प्लांट सेल्स प्राइमरी वॉल का पहला फीचर है दैट इट आउटर लेयर ऑफ़ अ प्लांट सेल दूसरा है प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स हर तरह के पौधे में प्रेजेंट है फिर किसका बना हुआ है आप सबको मालूम है सेल वॉल किसकी बनी हुई है प्लांट्स में सेल्यूलोर्स की एंड प्लांट्स हैव वेराइटी ऑफ केमिकल्स इन सेल इन देयर सेल वॉल्स वो तो सिर्फ सेलुलोज ही नहीं होता और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है वो सेलुलोज है ठीक है इसलिए हम बार-बार सिर्फ -बार प्लांट में सेलुलोज का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्लांट होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है अच्छा फिर है अगली सेकेंडरी वॉल सेकेंडरी वॉल तो इनर होती है इन सम प्लांट्स सेल्स फॉर एग्जांपल जाइलम जाइलम सेल्स The word xylem came from a Greek word xylon, which means wood. यानि के wood cells, यानि कि secondary wall उन cells में होती है जो ज़्यादा hard और ज़्यादा tough होते हैं, है ना? और viral cell wall होती तो non living ही है। तो जितनी भी wood है, ये हमारे घर में chairs हैं, dining tables हैं, sofa है, ये सब कुछ wood का है। और ये सब किसकी बनी हुई है जाइलम की बनी हुई है ठीक है ठीके? और इसीलिए और और वो क्यों हार्ड है क्योंकि उसके पास सेकेंडरी सेल वॉल है ओके okay. दूसरा फीचर है इसका कि प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल बिल्कुल ठीक है प्राइमरी वॉल के इन साइड पर है बहुत थिक होती है मच थिकर प्राइमरी सेल वॉल तो बहुत थिन होती है लेकिन ये बहुत थिक होती है

आपको ये cell है, अब ये चीज क्या है ये थोड़ी देर बताऊँगी मगर चलो उसको लेबल किया वॉल लेकिन जो बाहर सबसे बाहर आपको नजर आ रही है ये जो ये जो लेयर है बड़ी सी नजर आ रही है हमें ये प्राइमरी सेल वॉल है

हम से दो पे फोकस करते हैं आउटर इज प्राइमरी वॉल इनर इज सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल बनी हुई थी प्लांट सेल्स में है सेकेंडरी सेल वॉल इनर प्रेजेंट है है थिकर है, और लिगनिन भी प्रेजेंट है इसमें सेलुलोज के साथ साथ ओके okay. आप देखते हैं प्लाज्मो ये एक क्या चीज है दीज आर पोर्स इन द सेल वॉल सेल्स थ्रू विच कनेक्टेड और वही कह रहे हैं कि ये एक कुछ ऐसे रास्ते हैं दो सेल्स के दरमियान ये देखो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है इसका कलर और इसका कलर एक है ना इसका भी वही कलर है तो यहां से केमिकल मटेरियल वहाँ चला जाता है वहां से केमिकल मटेरियल इस सेल में आ सकता है थ्रू अ सेलुलर जंक्शन यानी कि जहाँ से दो सेल्स जुड़े हुए हैं इनका नाम है प्लाज्मो डस्मेटा ये ओपनिंग्स हैं या ये पोर्स हैं अब ये पोर्स यहाँ क्या कर रहे हैं ये ये कर रहे हैं क्योंकि सेल वॉल तो हार्ड है थिक है टफ है वहाँ से तो कुछ भी नहीं मूव कर सकता तो इसलिए मिया ने दो सेल्स के दरमियान कनेक्शन रखने के लिए प्लाज्मा डिसमेटा बना दिए। अब आप इस फिगर में भी देख सकते हो आउटर इज प्राइमरी सेल वॉल इनर इज सेकेंडरी सेल वॉल और ये वाली जो मेरून कलर की या डार्क ब्राउन कलर की नज़र आ रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर ऑर्गेनल सेल वॉल जिसमें हमने लास्ट में देखा जो सेलुलर जंक्शन थी जहाँ से दो सेल आपस में जुड़ते थे उनके वो पोर्स हैं कोई दो सेल्स के दरमियान में एक दरवाजा खुला हुआ है या एक खिड़की खुली हुई है मेरे ख्याल से खिड़की ठीक रहेगी दरवाजा तो बहुत बड़ा होता है ये तो छोटा सा रास्ता है एक छोटी सी विंडो है बिटवीन द टू सेल्स थ्रू विच मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द तो सेल्स ओके जी आई थैंक ऑल फॉर पेशेंस लिसनिंग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी विद द नेक्स्ट ऑर्गिनल अपना बहुत सारा ख्याल रखें हाफिज़